There is finally some clarity after the reshuffle goof-up. Lal Chand Kataria got his portfolio yesterday. Kataria is taking charge as MOS Rural Development. The minister spoke to Times Now about the goof-up and his new portfolio. We have with us Mr. Lal Chand Kataria himself, sir. The manner in which, jis tarah se, sir, ye sab kuch chal raha tha, pehle Ministry of Defence ke andar MOS, uske baad ab diya gaya hai Rural Development ke andar aap, matlab MOS sambhalenge. Sir, there was a lot of hustle-bustle, bahut zyada confusion tha is sab mein, kahin aapko aisa lagta nahi? Aisa hai, koi confusion nahi tha. Ye sahi hai ki मैं और भंवर जितेंद्र सिंह जी एक ही स्टेट के, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी भी, जिसमें अलवर डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट मेरे लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो जब दोनों एक ही स्टेट से हो गए तो कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो जाती है. और जो हाई कमान फैसला करता है उसके तहत ही हमको काम करना चाहिए. मैं खुद ही इस बात को मानता हूँ, और वो मेरे से सीनियर भी हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं और सांसद भी. तो जो फैसला प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए था, जो उन्होंने लिया, और आज मुझे अभी मालूम चला है कि मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है, तो ठीक है. मैं ग्रामीण परिवेश का आदमी भी हूँ, और मेरी रुचि भी है कि गांव में जो देश का पैसा यहाँ से जाता है वो गांव में लगे, गांव का विकास, और गांव में जितनी भी हमारी, चाहे नरेगा हो, चाहे राजीव गांधी सेवा केंद्र हो, जो IT से जोड़ा गया है, उन सबको विकसित करने का काम पूरे देश में घूम के करें. ये बात सही है कटहरे साहब, लेकिन साथ ही ये कहा जा रहा था कि ये सब जो इतना कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि स्वेयरिंग इन तो हो गई, उसकी वजह से पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा हसल बसल है. क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप दोनों एक ही स्टेट और काफ़ी पास की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, तो ये भी कहा जा रहा था कि वहाँ का पार्टी कैडर भी थोड़ा, मतलब, खुश नहीं है इस सब से, क्योंकि आपका मास बेस कहा जाता है कि काफ़ी स्ट्रांग है उस एरिया से. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. ये तो फैसला प्रधानमंत्री जी को लेना था, और जो उन्होंने महसूस किया एक स्टेट के बारे में, क्या आप संतुष्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ पूर्ण रूप से. यार, मैं राहुल जी को और सोनिया जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरी प्रदेश की जनता की तरफ से, मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से, कि उन्होंने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार दिया है. और मैं निश्चित तौर पर पूरे मनोयोग से ग्रामीण जनता की सेवा करना चाहता हूँ, जो मैं पहले भी करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँ. और जो राजस्थान पार्टी कैडर में भी इस तरह का कुछ डिसेंट नहीं है, कोई कुछ अनसेटिस्फैक्शन नहीं है, ऐसी खबरें आ रही थी कि पार्टी कैडर काफ़ी नाखुश है राजस्थान का. आपको राजस्थान पार्टी कैडर में ऐसा कुछ नहीं है. CP जोशी जी के पास में पहले कैबिनेट में ग्रामीण विकास मंत्रालय रहा है, और मेरी मुख्यमंत्री जी बात हुई थी, पूरे प्रदेश में ऐसा कोई माहौल नहीं है. और आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है, आम कार्यकर्ता संतुष्ट.